संस्करण किए और एक बार पुनः लर्न इंग्लिश विद शक्ति सिंह सर के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज जो हम जिस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं वो टेंस है। जिस तरह से परीक्षा में टेंस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर लिखे हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि परीक्षा में टेंस को किस ढंग से पूछा जाता है और उसके हल करने का और उसके सही उत्तर तक पहुंचने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम ये इन उदाहरणों को देख रहे हैं और हम इसमें जो दिए गए वाक्य को हम देखते हैं। वी फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें सिंस जो है यहाँ पर ये आपका वो शब्द है जो कि ये बताएगा कि ये किस टेंस से संबंधित है। जिसको जो शब्द हमें ये बताएगा कि ये किस टेंस से संबंधित है उसको हम कीवर्ड कहेंगे क्योंकि वो हमें उत्तर की तरफ ले जा रहा है। यहाँ पर इस सेंटेंस में जो हमें बता रहा है वो वर्ड है सिंस। दूसरे सेंटेंस में आते हैं ही यूजुअली ऑन टाइम, यहाँ पर जो कीवर्ड है वो यूजुअली है। तीसरे में यू आर अ बिट लेट, शी जस्ट आउट, यहाँ पर एक तो कीवर्ड ये है, ये हमें बता रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का नहीं है। दूसरा ये जो जस्ट शब्द है ये हमारा इसमें कीवर्ड है। आगे देखिए ही फ्रेंच डीज़ेस, तो यहाँ पर ही फ्रेंच डीज़ेस, ये डीज़ेस जो है आपका कीवर्ड है। और पांचवे में अपन आते हैं आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय वर्क आई फॉर होम, आफ्टर ये पूरा एक ही सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक और ये आफ्टर वाला क्लोज है यानी कि शब्दों का समूह है जिसमें अपना अपना सब्जेक्ट है और अपनी वर्ब है। यहाँ पर एक तो आपका कीवर्ड आफ्टर है और इसके अतिरिक्त हेड और ये जो थर्ड फॉर्म है ये आपका कीवर्ड है। अब ये इन सभी सेंटेंस में हमने देखा कि सभी सेंटेंस में कुछ न कुछ आपको ऐसा शब्द दिया गया है जो उस टेंस के बारे में आपको इशारा कर रहा है। जैसे यहाँ पहले से शुरू करें सिंस और फॉर आप जहाँ आते हैं वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। पहला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है जिसमें हैज, हैव और बीन का प्रयोग किया जाता है। इनके उत्तर के हिसाब से हम करते चले, पहले सेंटेंस का कीवर्ड ये सिंस है। अब सिंस कीवर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की फॉर्म केवल एक ही रह रखी है और ये क्योंकि प्लूरल है यहाँ पर हैव बीन वेटिंग उत्तर होगा। आपका इसमें उत्तर जो है वो डी है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ही यूजुअली ऑन टाइम, यूजुअली यानी सामान्यतया, और सामान्यतया समय पर आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर क्योंकि एकवचन है इससे यहाँ पर कम नहीं होगे, कम्स यहाँ पर आ जाएगा तो आपका उत्तर जो है वो बी है। यू आर अ बिट लेट, शी जस्ट आउट, यू आर अ बिट लेट तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है और जस्ट आता है वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म हैज हैव और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ही यू आर बिट लेट, शी हैज जस्ट गॉन, इसके इधर तो हैज आता है और इधर गॉन आता है तो आपका इसमें उत्तर क्या हो गया, आपका इसमें उत्तर हो गया ए। फिर उसके बाद में ये जो जस्ट है वो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में आता है, जस्ट और ऑलरेडी ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों के बीच में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। फिर है ही फ्रेंच दीज डेज, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, दीज डेज जहाँ आता है वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो यहाँ पर वो आजकल इन दिनों फ्रेंच सीख रहा है तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, इज लर्निंग और आपका उत्तर इसमें हो जाएगा सी। तो फिर अगले में ही
ये हो गया आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय वर्क आई फॉर होम आफ्टर बिफोर आफ्टर एंड व्हेन और उसके साथ एक तरफ जब हेड और थर्ड फॉर्म दे रखी हो इनमें तो दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अब इनमें देख लीजिए सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म रेव की सेकंड फॉर्म क्या होती है लेफ्ट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लेफ्ट और इसका उत्तर आपका हो गया ए इस प्रकार से हमने इन उदाहरणों में मुख्य रूप से क्या देखा हमने इन उदाहरणों में मुख्य रूप से ये देखा है कि जहां पर जो कीवर्ड है वो कीवर्ड हम अगर हम पहचानते हैं तो उससे हम उस टेंस का जो टेंस इसमें आएगा उसकी उसको सुनिश्चित कर सकते हैं और जब हमें मालूम चल जाता है कि ये टेंस है और ये स्ट्रक्चर है तो इसके सही उत्तर तक पहुंचने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से इसमें परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में टेंस के ऊपर जो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं अब हम एक एक टेंस को लेंगे और उससे संबंधित जो जितने भी उससे संबंधित जो कीवर्ड हैं वो हम याद करते जाएंगे और उसके बाद में हम उसका अभ्यास करेंगे तो टेंस की हमने अभी शुरुआत कर दी है और अब जो है वो हम जो करने जा रहे हैं वो उसके कीवर्ड्स और उसका टेंस दो भागों में हम उसको बांट रहे हैं देखिए आप इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं इसको हम दो भागों में बांटे या तो हम कीवर्ड लिखेंगे इसके इस तरह जितने भी कीवर्ड्स है वो इधर लिखेंगे हम और इधर हम लिखेंगे उस टेंस का स्ट्रक्चर यानी कि वाक्य विन्यास सेंटेंस कैसे बनता है वो और दूसरा एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा वो कौन सा टेंस है जिस टेंस की हम इन कीवर्ड्स के माध्यम से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको शुरू करते हैं फर्स्ट में हम सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट दे रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में पांच मुख्य रूप से कीवर्ड है वो है डेली एवरीडे डेली एवरीडे ऑलवेज ऑफन And usually, daily, everyday, always, often, usually. ये जो है वो पांच मुख्य रूप से इसमें कीवर्ड है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये पांच शब्द जहां आते हैं इसका मतलब वो जो टेंस है वो है आपका सिंपल प्रेजेंट वो जो टेंस है आपका वो है सिंपल प्रेजेंट तो उसमें सिंपल प्रेजेंट की वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा डेली एवरीडे ऑलवेज ऑफन एंड यूजुअली ये पांच शब्द हैं इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं वो है नेवर समटाइम्स जनरली जनरली उसके अलावा आप देखिए सेल्डम हार्डली रेयरली स्कैर्सली हार्डली रेयरली एंड स्कैर्सली उसके अलावा वंस Twice in a week, in a month, in a year. उसके अलावा on every Sunday या on Sundays. On every Sunday या उसके अलावा on Sundays. तो ये जो है वो मुख्य रूप से आपके कीवर्ड हैं. ये जहां आप पर आते हैं मुख्य रूप से पहला हम कीवर्ड की जो बात कर रहे हैं
या सिंपल प्रेजेंट किस तरह से पूछे जाते हैं जब हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये इस तरह के प्रेजेंट सेंटेंसेस हैं। डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर, समटाइम्स, जनरली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, ये सारे ही कीवर्ड्स हैं। आप इनको याद कर ले। मैं इसका थोड़ा तेजी से इसके अर्थ भी रोजाना, प्रत्येक दिन या रोज, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, ज्यादातर, प्रायः, यूजुअली, प्रायः, अक्सर, ज्यादातर, नेवर, कभी नहीं, समटाइम्स, कभी कभार, जनरली, साधारणतया, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, चारों के मीनिंग लगभग समान है। कभी कभार, बहुत कम नेगेटिव मीनिंग है इन चारों का। वंस, ट्वाइस, एक या दो बार, सप्ताह में, मंथ में, साल में, इस तरह से इनका अर्थ है। अब सिंपल प्रेजेंट में एक तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, दूसरे सेंटेंसेस वो आते हैं जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। दूसरे तरह के सेंटेंसेस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कह रहे हैं। अब यूनिवर्सल ट्रुथ जिन सेंटेंसेस को हम कह रहे हैं, और इसका एक नाम और कह रहे हैं आपको, इटरनल ट्रुथ। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे कार्य जो वर्षों से होते आए हैं और वो एक नियम बन गए हैं उसके होने का। जैसे मैं कुछ उदाहरण से अपनी बात कह रहा हूं कि द अर्थ, यहां पर आप देखिए राउंड, क्या जाएगा, अर्थ इज राउंड। तो ये इज वाला सेंटेंस है, बी फॉर्म से सेंटेंस है। इज एम आर के जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी हम इसी में शामिल करते हैं। तो द अर्थ इज राउंड, दूसरा सेंटेंस देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर ये जो है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये इटर्नल ट्रुथ है, ये शाश्वत सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और इस तरह से और भी आगे देखिए, वॉटर, ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है, वॉटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब पानी 100 डिग्री पर उबलता है। इस तरह के जो प्रश्न है वो प्रश्न भी इसी श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर एक बात, जैसे बी की हम बात कर रहे हैं, उस समय एक बात हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इन सभी सेंटेंसेस में, ये जो इतने भी सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, उन सभी सेंटेंसेस में केवल इस सेंटेंस को पढ़ के ही समझा जा सकता है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें मेरे कहने का अर्थ है कि इसमें कोई कीवर्ड आपको नहीं दिया जाता है, नो कीवर्ड इज गिवन टू यू इन दीज सेंटेंसेस। यानी कि यहाँ पर जो सेंटेंसेस है उसमें आपको कीवर्ड इस तरह से के जो सेंटेंसेस है, जैसे ही यूजुअली, हमने उदाहरण में भी देखा ही यूजुअली कम्स ऑन टाइम, तो यूजुअली वहां सेंटेंस में आ रहा है, तो सेंटेंस में यूजुअली देखते ही हम कह देंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन इस तरह के जो सिंपल प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस है उनमें कोई कीवर्ड नहीं दिया होता है, तो हम कैसे मानेंगे कि ये जो टेंस है, ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट से संबंधित है। ये जो सेंटेंसेस है इनको पढ़ते ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है, इसलिए इसमें कोई कीवर्ड नहीं दिया जाता है। और तीसरी तरह के जो सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, उसमें एक रूटीन की तरह जो कोई काम होता है, स्पेशली व्हेन, बिफोर इस तरह से, इसमें इसका जैसे एक उदाहरण देखिए कि एज सून एज, इसमें एज सून एज की और भी शब्द है इसमें, लेकिन मैं कुछ उदाहरण इनसे दे रहा हूँ। इसमें क्या होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए। जैसे ही आपका वो रूटीन की वाली बात होगी,
जैसे वेर के साथ, बिफोर के साथ, एस सुन एस के साथ, इफ के साथ भी होता है, तो वहां जो रूटीन की बात होगी, जैसे एस सुन एस ही अर्न्स मनी, एस सुन एस ही अर्न्स अर्न्स मनी मनी ही स्पेंड्स इट। जैसे ही वो कुछ धन कमाता है वो उसको खर्च कर देता है, ये उसकी आदत में है। तो ये काम भी, ये इस तरफ भी, ये जो क्लोज है सुन है वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट होगा और इस तरफ भी सिंपल प्रेजेंट होगा, दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीन तरफ से मुख्य रूप से ये पूछा जाता है। एक तरफ से और पूछा जाता है वो है एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का आता है, दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर का। उसको हम डिटेल में सिंपल फ्यूचर के जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब हम उसमें देंगे, क्योंकि वो मुख्य रूप से मेन क्लोज जो है वो सिंपल फ्यूचर का कहलाता है, इसलिए इसका अध्ययन हम उसमें कर लेंगे। मुख्य रूप से तीन तरह से एग्जाम में, एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी की परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो आपको जिस ढंग से मुख्य रूप से ये सेंटेंस, ये टेस्ट पूछा जाता है, इन्हीं तीन तरीकों से पूछा जाता है। ये अगर कीवर्ड है, ये इस तरह का कोई सेंटेंस है, इस तरह का कोई सेंटेंस है जिसमें सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, तो वहां पर ये बात निश्चित हो जाती है कि उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ ये जहां पर भी आएंगे एक बार निश्चित है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, सारी सारी वर्ब की फॉर्म कौन सी है, ये फर्स्ट फॉर्म निश्चित है। लेकिन कहीं कहीं पर इसमें एस और ईएस का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे जितने भी आई और जितने भी बहुवचन है प्लूरल, बहुवचन का प्लूरल, प्लूरल का अर्थ बहुवचन, जितने भी बहुवचन है वो बहुवचन वी यू दे दे बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट, जितने भी आई और जितने बहुवचन है उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और जो नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में यहां पर आई जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है, उसमें डू की जगह ये जो क्वेश्चन है उसमें वो डू पहले आ जाएगा, डू यू गो इस तरह से। तो ये तीनों तरह के, दोनों तीनों तरह के सेंटेंस, ये बता दिया नेगेटिव बता दिया, प्रश्न बता दिया, इस तरह से इनको पूछा जाता है। यदि सब्जेक्ट आपका एक क्वेश्चन है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इन नंबर, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इन नंबर, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग किया जाता है। ये जहां पर भी सिंगुलर होगा, यहाँ पे देखा है हमने ही है, ही शी इट, ए बॉय, ए गर्ल, ए स्टूडेंट, जो भी सिंगुलर है उसमें जो वर्ब आ रही है उसके साथ एस और ई एस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एक वचन है उसमें एस और ई एस के साथ प्रयोग किया जाएगा। जितना जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके साथ डस, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट और डस, नॉट और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यदि इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो डस इधर आ जाएगा, डस ही गो देयर एवरी डे, इस तरह से प्रश्न हो गया। और इसको इसी को यदि डब्ल्यू एच वर्ड का प्रश्न बनाना है तो हम इसके पहले यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड देख रहे हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस आते हैं, क्योंकि कभी कभी ये इतना बताने की जरूरत इस वक्त है, यूं तो नियम बहुत सामान्य है कि सब ये जहां जहां पर ये सारे शब्द आते हैं वहां पर हम सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट दिया होगा आपको, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर कभी कभी इसमें सारे ही समय में अफर्मेटिव सेंटेंसेस नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस और कभी कभी इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इस तरह से हमने ये देखा है। तो
थोड़ा सा उदाहरण जो है मैं इसके साथ में ये भी दे दूं आपको कि यहां पर हम एक बार बदल देते हैं, यहां पर हम आई और बहुवचन का कोई भी सब्जेक्ट देते हैं और यहां पर एकवचन का कोई भी सब्जेक्ट दे देते हैं। आप देखिए कि इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये जहां पर आएंगे वहां पर हमें जो रिक्त स्थान में बढ़ना होगा और नेगेटिव होगा तो कैसे होगा, मैं सब्जेक्ट दे रहा हूं इसमें आई, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। मैं नेगेटिव बनाना है तो इसमें क्या लगेगा, इसके ऊपर इसके साथ में डू का प्रयोग होगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता हूं। क्या तुम रोज क्रिकेट खेलते हो, तो ये डू पहले आ जाएगा और आई का यू बन जाएगा, डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे। और तुम कब खेलते हो, आपको इसको डब्ल्यू एच वर्ड वाला बनाना, व्हेन डू यू प्ले, कहां खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, इस तरह से इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसी तरह से इसमें इधर आते हैं, इसमें हम दे रहे हैं ही, तो यहां क्या बन जाएगा, ही प्लेज, ही डस नॉट प्ले, इसमें क्वेश्चन में ये डस पहले आ जाएगा और ही बाद में चला जाएगा, डस ही प्ले। और चौथे में इसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड बन जाएगा, व्हेन डस ही प्ले। एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस इसको दो तीन वर्ड के साथ में कर ले तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। इस तरह से हमने इसमें ये देखा है कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट में कौन कौन से शब्द कीवर्ड के होते हैं और उसमें हम किस तरह से उसका उत्तर, उसमें सही उत्तर पढ़ते हैं। तो इसको आप लिख लें, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। हमने फर्स्ट जो है सिंपल प्रेजेंट किया है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे में इसके बाद का जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस हम किसको कहते हैं, ऐसे कार्य जो वर्तमान में अभी जारी हैं, ऐसे कार्य जो अभी वर्तमान में हो रहे हैं, इनके लिए हम कैसे, हम इनके क्या क्या कीवर्ड होते हैं वो हम अभी देखते हैं। इसमें जैसे सेंटेंसेस जो बनते हैं वो, जैसे अभी मैंने कहा है कि इसमें मुख्य रूप से वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कार्य अभी वर्तमान में इस समय जारी है। जैसे जैसे देखिए कौन कौन से कीवर्ड इसमें हैं, उनके ऊपर बात कर ले रहा हूं। सबसे ज्यादा इसमें जो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंटली, 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 एट प्रेजेंट, राइट नाउ, राइट, राइट नाउ, नाउ, नाउडेज, दीज डेज, नाउ, नाउडेज, दीज डेज। उसके अलावा आप देखें एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, राइट नाउ, नाउ, नाउडेज, दीज डेज, दीज डेज, ये इसके मुख्य रूप से कीवर्ड है। तो ये जब आ जाते हैं इसका मतलब ये होता है कि कार्य अभी जारी है, कार्य अभी जारी है। टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट और कंटिन्यूस का हो गया। प्रेजेंट समय कौन, टेंस कौन सा हो गया इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। इसके साथ में यहां पर दो शब्द, दो सेंटेंसेस और पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है लुक वर्ड, लुक के साथ में, वर्ब के साथ में, लुक, लुक ए, ए बस इज कमिंग, देखो एक
ध्यान दो, देखो एक बस आ रही है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो लुक से इस तरह से हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस के माध्यम से आगाह किया जाता है या हमें थोड़ा सा उसमें ध्यान देने के लिए कहा जाता है, तो हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। एक वर्ब या ऐसे सेंटेंस है जिसमें बट टूडे, इसमें इस तरफ सिंपल प्रेजेंट आता है, मैं इसका उदाहरण भी बता रहा हूं आपको, और इस तरफ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। जैसे वह रोज ऑफिस बस से जाता है, ये उसकी आदत में है, जो आदत में हैबिट के अनुसार कार्य हो रहा है, वो रोज ऑफिस बस में जाता है, लेकिन आज वो कार से जा रहा है। ही यूजुअली गोज टू हिज ऑफिस बाय बस, या ही यूजुअली टेक्स ए बस टू गो टू हिज ऑफिस। ही यूजुअली गोज टू हिज ऑफिस बाय बस, बट टुडे ही इज going by car, या he is driving to his office by car। रोज ये करता है, रोज ये करता है, यूजुअली साधारणतः जनरली वो बस से ऑफिस अपने ऑफिस जाता है, लेकिन आज वह कार से जा रहा है। ये दो तरह के सेंटेंसेस भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो यहां पर ये जो कीवर्ड है वो अगर कीवर्ड के लिए हो, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वहां प्रेजेंट कंटिन्यूस, अपने हमने उदाहरण में भी देखा था, हमने उदाहरण में लिख रखा था बीस डेज लिख रखा था, तो वहां पर 20 डेज था, उससे प्रेजेंट कंटिन्यूस भरा जाता है। तो जहां पर ये है वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस भरा जाता है। इसमें एक साथ जो हायर प्रेजेंट है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है, एक चीज का और ध्यान रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग, प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग यदि उसके साथ में फ्यूचर का समय हो, फ्यूचर टाइम दे रखा हो उसके साथ में, तो ये इसका मीनिंग क्या होता है, प्लान एक्शन, सुनियोजित कार्य, प्लान एक्शन और खुद के स्वयं का वंस वर्क वंस एक्शन, कौन सा है, वंस प्लान एक्शन ये। तो तीसरा ये नियर फ्यूचर से तात्पर्य 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, ज्यादा ज्यादा 10-15 दिन बाद, जो होने वाला, जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसकी प्लानिंग कर सकते हैं हम, कि हम 2 दिन बाद वहां जा रहे हैं, तो उसकी जो प्लानिंग है वो अगर पूरी है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी फ्यूचर फॉर्म के साथ में होता है। जैसे वी आर प्लेइंग फाइनल मैच ऑन संडे, हम संडे को फाइनल मैच खेलेंगे, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक उदाहरण है। और इससे इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस का, लेकिन ये जो है फ्यूचर का टाइम देने से, आज थर्सडे हुआ है, वो फाइनल मैच कब कह रहे हैं, संडे। तो यहाँ पर ये कोई भी जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि वी आर प्लेइंग फाइनल मैच ऑन संडे, वो उसका प्लेन एक्शन है, क्योंकि सारे मैच, दूसरे मैच खेल जा चुके हैं और जो मैच बाकी है वो कौन सा मैच बाकी है, फाइनल मैच बाकी है। तो ये प्लान एक्शन है, नियोजित कार्य है, योजनाबद्ध कार्य है, सुनियोजित योजना के साथ काम होने वाले सेंटेंस है, जो नियर फ्यूचर में होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी बार एग्जाम में जैसे इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें आई आई
और यहाँ पर गो दे रखा है, आई गो टू जयपुर ऑन मंडे, ऑन नेक्स्ट मंडे या मंडे, अधिकतर नेक्स्ट भी लगाते हैं इसको फ्यूचर का बताने के लिए। तो यहाँ पर विल गो या शेल गो जिसे अपन हम लिखते हैं, तो शेल गो भी लिखा जाता है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये क्योंकि किसी का प्रेजेंट एक्शन है, किसी व्यक्ति का नियर फ्यूचर में, इसलिए यहाँ पर एम गोइंग, अगर आप दोनों दे रखे हैं तो एम गोइंग ज्यादा सही है और शेल गो। लेकिन अगर एम गो कोई नहीं दे रखा है आपको वहां पर, जो आपके विकल्प है उसमें एम गोइंग नहीं है और शेल गोइंग है, तो फिर शेल गोइंग बना जाएगा। लेकिन अगर यदि इन दोनों को दे रखा है और किसी व्यक्ति का अपना खुद का प्लानिंग का योजनाबद्ध कार्य है, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस विद फ्यूचर टाइम फ्रेज यानी शब्दों का समूह, उसके साथ में इसको बना जाता है। तो अब वापिस हम आ जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस किस तरह से पूरे रूप से पूछा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस एम इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, जिस आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। जितने भी एकवचन है, ही शी इट रमेश नरेश जो भी है, तो जितने भी एकवचन नाम है, एकवचन है नाम है, उनके साथ में इज, और जितने भी बहुवचन है उनके साथ में इसका प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखा है कि इसमें इस तरह से कीवर्ड को, इनको भी आप अच्छी तरह से याद कर ले और इनके साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे टेंस की तरफ आ रहे हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को किस टेंस से पूछा जाता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसको आप देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट, जो नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो है, जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में मुख्य रूप से पांच कीवर्ड हम मुख्य रूप से इसमें लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछा जा सकता है उसको उस ढंग से, तो हम उसको उसी स्ट्रक्चर के साथ में यूज कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं जो लिखने का ढंग है थोड़ा बदल रहा हूं, जस्ट ऑलरेडी येट, जस्ट ऑलरेडी येट, लेटली और रिसेंटली, लेटली रिसेंटली सो फार टिल नाउ, सो फार एंड टिल नाउ, सो फार टिल नाउ। ये जो है ये मुख्य रूप से ये शब्द पूछे जाते हैं पांचों, लेकिन इनको भी याद रखते हैं, कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं, जस्ट ऑलरेडी येट ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले तीन शब्द है और लेटली और रिसेंटली भी इसी ढंग से पूछे जाते हैं। अब इनकी इनको यूज करने का भी तरीका निश्चित है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जहां ये तो ये निश्चित हो गया कि जहां पर जस्ट ऑलरेडी येट आता है, जस्ट ऑलरेडी येट रिसेंटली लेटली सो फार टिल नाउ, ये जो शब्द जहां आते हैं वहां पर एक बात निश्चित हो जाती है कि वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, यानी कि सब्जेक्ट हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो ये बात तो निश्चित है कि जहां पर ये आएगा, कभी कभी हैव यू एवर इसके ऊपर भी सेंटेंस बता दूंगा, ये भी कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, हैव यू एवर रिडन अ हॉर्स, क्या आपने कभी घोड़े की सवारी की है, तो इस तरह से भी ये मुख्य रूप से क्वेश्चन नहीं आता है तो ये भी पूछा जाता है। वापिस आ जाते हैं, ये शब्द है
ये शब्द जस्ट ऑलरेडी यट, जस्ट ऑलरेडी यट, लेटली रिसेंटली सो फार टिल नाउ हैव यू एवर, ये जहां आते हैं या वहां, ये निश्चित है कि वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट एस है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम सेंटेंसेस में देखते हैं, ही हैज जस्ट लेफ्ट, वो अभी अभी रवाना हुआ है या अभी अभी गया, ही हैज जस्ट गॉन। तो यहां पर दोनों में से कोई एक वर्ब भी लिखी जाएगी तो ज्यादा से ही हैज जस्ट लेफ्ट, ही हैज जस्ट गॉन। तो इस तरह से हम यहां पर ये जो पहले सेंटेंस में जस्ट का प्रयोग हुआ है वो इस सहायक क्रिया और इस मुख्य क्रिया के बीच में हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ही हैज ऑलरेडी कम, ही हैज ऑलरेडी कम, ही हैज ऑलरेडी कम, यहां पर इसके और इसके बीच में ही आता है। येट का प्रयोग निश्चित है, येट का प्रयोग मुख्य रूप से नेगेटिव और क्वेश्चंस में आता है। इसका प्रयोग सामान्य वाक्यों अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं होता है, सामान्य रूप से इसका यूज नहीं होता है। जैसे जस्ट का भी यूज जो है वो नेगेटिव में सामान्य रूप से नहीं किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इससे यस जो आएगा वो आपको मुख्य रूप से क्वेश्चंस में पूछा जाएगा या नेगेटिव सेंटेंसेस पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस में भी आपको बहुत कम पूछा जाता है, अधिकतर जो यस का प्रयोग है वो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में पूछा जाता है। जैसे ही हैज नॉट कम यट, यट का अर्थ होता है अभी तक, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, अभी अभी, वो अभी अभी गया है, ठीक है, अभी अभी, ऑलरेडी यानी पहले से ही, यट यानी अभी तक, ही हैजंट कम यट, ही हैज नॉट कम यट, वो अभी तक नहीं आया है, और has not, hasn't he come yet, क्या वो अभी तक नहीं आया है, इस तरह से ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो यहां पर yet जो है नेगेटिव और क्वेश्चन में मुख्य रूप से पूछा जाता है। लेटली और रिसेंटली का मतलब होता है कुछ समय पूर्व तक, यानी कि हाल ही में, जिसको अपन कहते हैं। have you seen him, क्या आपने उसको देखा है, lately, या have you seen him recently, have you seen him lately, he hasn't come so far, he hasn't come so far, he hasn't come till now, ये भी टिल नाउ अभी तक, सो फार अभी तक, हैव यू एवर, हैव यू एवर, जिसमें अपन हम हिंदी में भी पूछते हैं, जैसे क्या कभी आपने ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर विजिटेड ताजमहल, क्या तो क्या आपको सचिन तेंदुलकर से मिले हैं, हैव यू एवर मेट सचिन तेंदुलकर। तो ये जो सेंटेंसेस है उसमें हैव यू एवर और उसके आगे हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर विजिटेड ताज, ताजमहल, हैव यू एवर बीन टू, हैव यू एवर बीन टू, हैव यू एवर बीन टू, क्या आप कभी भी जैसे जयपुर हो के आए हैं, हैव यू एवर बीन टू जयपुर, हैव यू एवर बीन टू जोधपुर, हैव यू एवर बीन टू उदयपुर, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, इस तरह से जो है वो हम इसमें सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं, ये जो कीवर्ड आते हैं वहां पर, ये सारे कीवर्ड जो है जस्ट, ऑलरेडी, यट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ एंड हैव यू एवर बीन, ये को इस तरह से याद कर लीजिए। ये जहां पर भी आते हैं
वहां पर आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पर ये भी बताता चलूं मैं आपको कि जो आई और बहुवचन है उसके साथ में हैव का प्रयोग होगा, और जितने भी सिंगुलर है एकवचन है, जितने भी सिंगुलर है एकवचन है उसके साथ में हैज का प्रयोग होगा। यस, इसको मिटा देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में प्रेजेंट में एक टेंस और रह रहा है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगला जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सिंस और फॉर इसके कीवर्ड है, सिंस और फॉर इसके कीवर्ड है। जहां सिंस और फॉर आ रहे हैं वहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। कहां पर? सिंस और फॉर। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट हैज बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी है बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, सिंस सिंस और फॉर और टाइम, सिंस और फॉर और टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो सिंस और फॉर आपको दिया होगा, समय भी दिया होगा। जो आपको नहीं दिया होगा वो ये है, जैसे हमने एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस में किया था, और भी उदाहरण देख लेते हैं। वह 10 वर्ष से यहाँ रह रहा है, he has been living here for 10 years. 10 years. उसी तरह से और देखिए आप, वह 2 महीने से अच्छी मेहनत कर रहा है, तो या कर रही है, she has been working hard for exam for 2 months. इस तरह से इसमें सेंटेंसेस बनाते हैं और इसको इस तरह से पूछ जाते हैं। तो ये अभी अभी तक हमने जो देखा है आज, वो प्रेजेंट में किस तरह से कीवर्ड होते हैं और किस तरह से हम उन सेंटेंसेस में उन कीवर्ड से के द्वारा उसके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आप इन शब्दों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, यानी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और बेहतर है कि आप जो भी इसका ये सेंटेंसेस लिखे हैं इस पे एक दो सेंटेंस आप बोल के याद करें। जैसे जस्ट वाला सेंटेंस है, ही हैज जस्ट गॉन, ही हैज जस्ट गॉन, ही हैज जस्ट लेफ्ट, ही हैज जस्ट लेफ्ट, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय वर्क, इस तरह से आप बोल देंगे तो वो जो जो न केवल कीवर्ड है बल्कि उसका स्ट्रक्चर भी हमारी जवान पर आ जाएगा, हमारी पेन पर आ जाएगा और एक आदत का निर्माण होगा। अगले हम अगले सेशन में इसके पास्ट के और फ्यूचर के कीवर्ड करके देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।